तशद्दुद की आग में जलने वाले मणिपुर को लेकर पीएम मोदी ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से कबल पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर का वाकया किसी भी महजब माशरे के लिए शर्मनाक वाकया है। दरअसल कांग्रेस ने फिर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 1800 घंटे से ज्यादा नाकाबिल फहम और नाकाबिल माफी खामोशी के बाद आखिरकार वजीर आजम ने मणिपुर पर 30 सेकेंड तक बात की। इसके बाद वजीर आजम मोदी ने मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात जैसी रियासतों में ख्वातीन के खिलाफ मजालिम को नजरअंदाज करते हुए दूसरी रियासतों में खासतौर पर हिजब इख्तलाफ की हुकूमत वाली रियासतों में ख्वातीन के खिलाफ जुराम के बराबर करार देकर मणिपुर में हुक्मरानी की जबरदस्त नाकामियों और इंसानी अलमियत से तवज्जो हटाने की कोशिश की।